नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। बीते 6 महीनों से पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक ये 15 दिन रहे। हथरस की बेटी की चीख पूरे देश को झकझोर के रख, और उससे भी ज्यादा दुखदायी और शर्मनाक रहा यूपी के पुलिस और जिला प्रशासन का व्यवहार। लगातार हो रही बेटियों पे अत्याचार, अभिभावकों के पेशानी पे चिंता की लकीर खींच रही है। उस पर से पुलिस और जिला अधिकारियों के व्यवहार ने और भी चिंता बढ़ा दी है। ये समझ से बिल्कुल परे है कि पीड़ित जाए तो जाएगा, या अपने बेटियों को हम कैसे सुरक्षित रखें ताकि वो आज़ाद होकर घूम सके, अपने काम कर सके, खुली हवा में सांस ले सके। ऐसी घटनाओं में यदि शासन प्रशासन ही मुंह फेर लेंगे तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, किससे इंसाफ मांगेंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे। अनमोल है जिसे बचाए, बेटियों से है सुंदर बनता। बेटियां ईश्वर की देन है, बेटियों से संसार है। हमारे पूजा करते हो, हमारा ही शोषण करते हो, यदि हम लाए हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल शांति न हो तो ये रैली निकाला जाए। का रेप हुआ और रेप होने के बाद उसके परिवार वाले को बंधक बना के वहाँ की चलती हुई नरेंद्र मोदी योगी की सरकार ने उस शव को रातों रात जला दिया, और अभी तक उसके बारे में कोई एक्शन नहीं हुआ है। उसी के विक्षोभ में आज पूरा हमारे यहाँ का 18 नंबर वार्ड के युवा उस आक्रोश के साथ इस रैली को निकाले हैं। अमित कुमार तुलसियान, पासवर्ड वादा में रखा। जय 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 जय
আজ আপলোক ইয়ে মিছিল কিসলে নিকালে আজ আমাদের উত্তর প্রদেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের গোটা দেশে কিভাবে নারী নির্যাতন বেড়েই চলছে। আমরা কয়েকদিন আগে উত্তর প্রদেশে দেখলাম যে কয়েকদিন আগে একটা বিজেপি লিডার একটা রেপ করে তার পরিবার জমিয়ে জ্বলিয়ে দিয়েছে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়, এবার তো একটা বাচ্চা 19 বছরের মেয়েকে একদম পুরোপুরি রেপ করে তাকে তো রাতারাতি একদম ইয়ে তার মানে তাকে শবটা জ্বলিয়ে দিল, তার শবদেহ জ্বলিয়ে দিল, তার মা বাবাকে পর্যন্ত দিতেও দিল না, এমনকি তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল, তার শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে, তার জিভ কেটে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা সবসময় আমরা মানুষের পাশে আছি, আমরা মহিলাদের পাশে আছি, আমরা আগামী দিনেও থাকার চেষ্টা করবো। আপনার নাম? আমার নাম মৌমিতা সেনগুপ্ত, 102 নম্বর ওয়ার্ড মহিলা প্রেসিডেন্ট আর কুর্কি ব্লক ওয়ার্ডিং। आज मिचिल जो यूपी मैंने उत्तर प्रदेश हथरास में जो एक दलित लड़की को मैंने क्या बोले उसका रेप करके मैंने वो गण धर्षण होता है जो रेप बोलेंगे, चार पांच मिल के जो ये किया उसको मैंने शारीरिक निर्यातन किया, उसका बाद ना पुलिस प्रशासन उसका साथ दिया ना योगी सरकार उसका साथ दिया, उसको जिंदा उसको घर उसका घर परिवार को ताला लगा के और वो जो लड़किया क्या नाम है वो लड़की है जो उसी को जिंदा मैंने जला दिया ना उसका घर का दिए हाँ मनीषा वाल्मीकि को ना उसका घर में घर का किसी को पता है ना उसका जो गांव में रहता है उसको पता है। इसीलिए आज हम लोग यही मैंने प्रतिवाद कर रहे हैं कि ये जो कांड किया योगी सरकार ने मोदी सरकार ने बीजेपी सरकार ने जो भी कांड किया है वो अच्छा नहीं किया। इसका लिए तृणमूल कांग्रेस हर वार्ड में AMC का हर वार्ड में आज प्रतिवाद मिशिल कर रहा, इसमें हम लोग भी शामिल हुए, हम लोग भी प्रतिवाद कर रहे हैं। आपका नाम दादा? सरोज कर्मकार, काउंसिलर 102 नंबर वार्ड। हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, रोड पे जुलूस निकालेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे। मोदी जी से मोदी, मोदी के साथ योगी जी, शर्म आने की योगी और मोदी जी को, एक बच्ची के साथ पैसा कुछ होता है और आप छुपाने की कोशिश करते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारे नेत्री में मौजूद है हमारे इस देश की युवा नेता विश्वजीत चटर्जी, डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट बाबू दत्ता पारस चौधरी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट पचुदा और मेरे वार्ड के तमाम नौजवान महिला और वार्ड प्रेसिडेंट सैफुल इस्लाम, आज इस रैली महारैली का हमारे एक ही नारा है, जस्टिस फॉर मनीषा। मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। हर एक घर से एक ही आवाज है, एक ही नारा है कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। योगी जी आप अभी भी गहरे नींद में हैं, जाग जाए, क्योंकि आप ही के घर की बेटी का इतना बड़ा कांड हो गया और आप अब भी गहरे नींद में। हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का एक योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम अपने प्रधानमंत्री से एक सवाल करते हैं, हम तमाम बेटियां यहाँ पर मौजूद है, हम भी एक बेटी एक औरत है, हम आपसे एक सवाल करते हैं कि आपका कौन सा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आप ही के देश में बेटियों के साथ इस तरह से हड़प्पन किया जा रहा है, आप इस नारे का क्या माने रखते हैं? हम बेटियों को क्यों नहीं सेफ है, हम लोग क्यों नहीं सेफ महसूस कर रहे हैं? हम आप यहाँ के प्रधानमंत्री है, आप कहते हैं कि हम चौकीदार है, क्या चीज की चौकीदार है? आप हम बेटियों को कहाँ से सेफ्टी दे रहे? ये हमारा हक है, आप हमारे हक को छीन दे। हम अपने प्रधानमंत्री से यही कहेंगे कि आपसे कुछ नहीं होगा नरेंद्र मोदी, आप सिर्फ और सिर्फ झूठे बातें बोलिए, झूठे वादे कीजिए, यही आपका काम है और इससे ज्यादा आपका काम नहीं है। हमारी मनीषा के साथ आखिर क्यों इंसाफ नहीं हुआ? क्यों हमारी मनीषा को आधी रात को उसे जला दिया गया? क्यों हमारी मनीषा को ट्रीटमेंट नहीं मिला? क्या मनीषा एक दलित घर की फैमिली की लड़की थी इसलिए नहीं हुआ? क्या मनीषा एक बेटी थी इसलिए नहीं हुआ? क्या
दे दिया, लेकिन 46 का सीना क्या आपका पास एक इंच का भी सीना नहीं है? क्योंकि आप ही के देश में हमारी घर की बेटियां सेफ नहीं, हमारी घर की बेटियां सेफ महसूस नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री से यही कहेंगे, अगर आपसे नहीं समझता है तो आप बर्खास्त क्यों नहीं देते? क्यों आखिर बेटियों से पैर हमारी योगी आदित्यनाथ आप सीएम बनते हैं, किस तरह का सीएम है? हमारे एमपी वहां पर जाते हैं दलित फैमिली के लोगों से मिलने के लिए, तो आपकी सरकार वहां मिलने नहीं दे रही है। आखिर क्यों नहीं मिलने दे रही योगी सरकार? आपके दिल में काला है, आपके ऊपर जरूर कुछ है। आखिर आप क्यों हमारे एमपीओ को मिलने नहीं दे रहे? जरूर आपके मन में काला है। आज हम नहीं पूरे हिंदुस्तान की बेटी आपसे सवाल कर रही है कि आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा? हम कब अपने आप को सुरक्षा महसूस करेंगे? कब हम अपने आप को सेफ महसूस करेंगे? जब आपसे नहीं होता है तो आप अपने सीए छोड़ देंगे, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। Thank you.